आज हम बनाएंगे स्वादिष्ट विटामिन मिनरल से भरपूर सब्जी। दिखने में बहुत ही बढ़िया लगेगी और खाने में उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी। नमस्कार दोस्तों, मम्मी किचन में आपका स्वागत है। आप इस सब्जी को मेरी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी वो लाजवाब बनेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरे को चटकने देंगे। जीरा हमारा हो गया है, अब हम इसमें बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ डाल दूंगी। लहसुन का कलर थोड़ा चेंज होने देंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। थोड़ा देर इसको भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज के प्याज जो हमने बारीक काट के रखा था और इसको भून लेंगे। प्याज का कलर थोड़ा चेंज होने तक इसको भूनेंगे। प्याज हमारा भून गया है, अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर बारीक कटे हुए डाल देंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 100 ग्राम मटर। मैंने मटर फ्रोजन वाली मटर ली है, आप चाहें तो फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर 150 ग्राम फूल गोभी लेंगे, इसको भी इसमें डाल देंगे। और 1 गाजर काट के लिया है, इसको भी इसमें डाल देंगे। 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, इनको भी इसमें डाल देंगे। अब हम सभी सब्जी को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए इसको फ्राई कर लेंगे। सब्जी को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक और 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जी के साथ। जितना इसी तरह भूनेंगे तो सब्जी उतनी ही टेस्टी बनेगी। हमने सब्जी 2 से 2.5 मिनट मसालों के साथ और भून लिए है। अब हम इसमें ढक्कन रख देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखना है, मीडियम आंच में पकाना है। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, सब्जी ही पानी छोड़ देगी जिससे सब्जी अच्छे से पक जाएगी। आप भी एक बार इसी तरीके से सब्जी बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। इसको हमने ढक्कन रखकर 8 से 10 मिनट पका लिया है। हमने इसे बीच बीच में 2 से 3 बार चला लिया था, इसको हम और चला लेंगे। ये देखिए सब्जी हमारी 80% पक चुकी है, बिना पानी डाले बढ़िया से पक गई है। अब हम इसमें सैलो फ्राई किया हुआ 250 ग्राम पनीर डाल देंगे। पनीर को हमने घी में फ्राई किया था, आप चाहें तो बिना फ्राई किए हुए भी डाल सकते हैं, लेकिन सैलो फ्राई किया हुआ पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, वो भी घी या बटर में फ्राई किया हुआ हो तो और भी सब्जी में 4 चांद लग जाते हैं। इसमें ढक्कन रखकर 5 मिनट और पका लेंगे जिससे पनीर में मसाले का टेस्ट अच्छे से आ जाएगा। 5 मिनट हो गए हैं, ये देखिए सब्जी हमारे बहुत बढ़िया से पक गई है। अब हम इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। ये देखिए हमारी मिक्स सब्जी बनके तैयार है। अब हमारा गर्मा गर्म सब्जी सर्व करेंगे। आप इसे रोटी, पराठे, नान किसी के साथ भी खा सकते हैं।